आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। हिंदू जागरण मंच द्वारा थाना प्रभारी को मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर प्रतिबंधित करने को लेकर दिया ज्ञापन। पानसिमल नगर में हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण होने को लेकर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों और सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सेनानी ने जानकारी दी, लाउडस्पीकर से निकलने वाली ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ज्ञापन में धारा 19A अनुच्छेद 21 का हवाला देकर बताया गया, ये वर्षों से बजाया जा रहा है जबकि अन्य इस्लामिक देशों में लाउडस्पीकर प्रतिबंधित है। सऊदी अरब में 94,000 मस्जिद है लेकिन वहां पर लाउडस्पीकर के माध्यम से बुलावे पर रोक लगा दी गई। हम हिंदू जागरण मंच के माध्यम से निवेदन करते हैं कि लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सेनानी, सुश्री सलोनी राणा, रितेश माली, मनोज सोनवने, रविन्द्र मराठे, देव भंडारकर, हिंदू समाज सदस्य सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। पानसिमल से सतीश केवट की रिपोर्ट। लक्ष्मण सेनानी, किस विषय को लेकर आपने ज्ञापन दिया यहाँ पर? ये जो मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हैं उससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। धारा 19A और अनुच्छेद 21 को ध्वनि प्रदूषण के जीवन की हानि से जोड़ा गया है और ये कई वर्षों से बजाया जा रहा है जिसके कारण लोगों को तकलीफें हो रही हैं ज़्यादा की। और ये इस्लामिक मुल्कों में भी प्रतिबंधित है, मतलब बजाया नहीं जाता है, मगर हमारे देश में ये बजाया जा रहा है और आम जनों को परेशान किया जा रहा है। आम जन इससे डिस्टर्ब है, तो मेरा निवेदन है शासन से कि ये लाउड स्पीकर है जो मस्जिदों पे बज रहे हैं उसको तुरंत बंद करें, ऐसा मेरा निवेदन है। कितने स्थानों पर ज्ञापन दिया है? आज पूरा मालवा प्रांत के 28 जिलों में ज्ञापन दिया गया है हिंदू जागरण मंच के माध्यम से। मैं हिंदू जागरण मंच का जिला अध्यक्ष हूँ।